बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों ने वैक्सीनेशन का अमल पाकिस्तान से करवाया था या अकामा होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सऊदी अरब ने PIA को इजाज़त दे दी है कि वो सऊदी अरब के लिए मुसाफरों को लाना शुरू कर दे, तो इसकी मुकम्मल डिटेल आपको मिलेगी इसी वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दी गई बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर लाजमी कर दिया करें, ताकि जो लोग भी फ्लाइट्स के हवाले से परेशान बैठे होते हैं कि फ्लाइट्स कब बहाल होंगी, उन तक ये वीडियो लाजमी पहुँच जाए। तो इसके अलावा जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर भी पढ़ ही लिया होगा कि 4 सितंबर से यानी कल से PIA की फ़्लाइट जाएगी इस्लामाबाद से अलरियाज के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने वैक्सीनेशन का अमल पाकिस्तान से करवाया था। अभी तक फ़िलहाल उन लोगों के लिए ऐलान नहीं किया गया जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई, तो आप लोग भी वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा लें ताकि कल से आप लोग भी सफ़र कर सकते। ये थी हमारी आज की नई अपडेट। ऐसी मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।